अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने लगे हैं। तो देखें क्या कर रहे हैं, 9 क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या करना है, सोल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करना है। देखें जी, हमने सबसे पहले हमारे जो डिनोमिनेटर हैं उनको ख़त्म करना है। उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। तो देखें जी, पहले एलसीएम ले रहे हैं, दोनों डिफरेंट है, एक्स माइनस ए भी आ जाएगा और एक्स माइनस बी भी आ जाएगा। तो देखें अब क्या करेंगे, ये एक्स माइनस बी से कैंसिल, एक्स माइनस ए को ऊपर ए से मल्टीप्लाई करना है और प्लस b को क्या करेंगे जी, ये x माइनस ए से कैंसिल, x माइनस बी को ऊपर b से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखें बिल्कुल क्वेश्चन ईजी है, आपने a b एक कॉन्स्टेंट नंबर्स दिए गए हैं, इससे परेशान नहीं होना, बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे क्वेश्चन नंबर हमने पहले किए हुए हैं। तो देखें अभी x माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर लाके और ऊपर ax माइनस ये भी a है, ए स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस इसको बी एक्स और माइनस बी स्क्वेयर, ये आपके पास आ गया है। अभी इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करते हैं जी, x माइनस ए और x माइनस बी, ये आ गया आपके पास। अभी क्या करने लगे हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप जो है वो ऐसे लिख दें, ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स जमा बी एक्स और माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको ऐसे लिख देते हैं। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर, एक्स को b से किया माइनस बी एक्स, ए को x से किया माइनस ए एक्स और a को b से किया प्लस ए बी आ जाएगा जी। तो अभी क्या करने लगे हैं, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, टू एक्स स्क्वेयर टू बी एक्स माइनस टू ए एक्स और अभी प्लस टू ए बी, ये लेकिन जी डी एस स्टूडेंट्स। तो जी डी एस स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करने लगे हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई किया, इन सबको उठा के एक तरफ ले जाते हैं, इधर जीरो रह जाएगा, इन सब को हम जो है वो इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर और अभी लिखते हैं माइनस 2bx माइनस 2ax और प्लस 2ab, इनको भी हम इधर लाके लिख देते हैं, माइनस ax हो जाएगा और ये माइनस bx हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस ए स्क्वेयर और ये भी प्लस बी स्क्वेयर। तो जो हमारे पास देखें ये एक्स है और एक्स वाले नंबर्स देखें क्या हो रहे हैं, अभी ऐसा करेंगे कि टू एक्स स्क्वेयर ये माइनस टू बी एक्स है और माइनस वन बी एक्स ये पड़ा हुआ है, माइनस टू और माइनस वन ये आपके पास हो जाएगा माइनस थ्री बी एक्स, इसी तरह माइनस टू ए एक्स है और ये माइनस वन ए एक्स है, वन नाम भी लिखा हुआ हमें पता है वन होता है, तो ये भी आपके पास माइनस थ्री ए एक्स हो जाएगा। तो इसके बाद टू ए बी और ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इनको ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस टू ए बी, ये आपके पास एक फार्मूला होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी होता है आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वेयर। तो इसको आप ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी को आप बना सकते हैं ए प्लस बी इसका होल स्क्वेयर। तो जी अभी ये ऐसे कर लिया, अभी हम एक्स इसमें से कॉमन निकाल के हम ये देखें जी आगे क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस भी कॉमन निकाल लें और थ्री थ्री भी निकाल लें और आपके पास ये b रह जाएगा और ये प्लस माइनस निकाला है तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये थ्री कॉमन आ गया है, a आ जाएगा और ये x इधर कॉमन लिख देते हैं और ये आपके पास a प्लस b आपके पास ये
वैसे ही आ चुका है। अभी देखें ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, ये एक्स का कोफिशियंट है और ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये आपके पास आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारा मकसद क्या होता है, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी होती है और उसको फिर कंपेयर करना होता है जी। लिख दें कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखें ए की वैल्यू आपके पास इसमें से क्या निकली है, ए की वैल्यू है जी 2, बी की वैल्यू है माइनस 3 इंटू बी प्लस ए, और सी की वैल्यू आपके पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और अभी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, वी नो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a। और अभी देखें माइनस बी की जगह पे बी की ये वैल्यू आई है आपके पास, लिख दें माइनस 3a, बी प्लस ए लिख दें या ए प्लस बी लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्या करना है जी, अभी आपने बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करना है, ये फार्मूला कह रहा है आपके पास माइनस 3 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर करें माइनस 4ac, ए की जगह पे आपके पास 2 है और सी की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अभी क्या करें जी, अभी इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं इतनी 4ac ए प्लस बी का स्क्वायर, ये आपके पास बन चुका है। अभी नीचे 2, ए की जगह पे ए की वैल्यू 2 है, ये आ जाएगी। अभी देखें माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपके पास आ जाएगा जी 3 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, प्लस माइनस ये माइनस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 और ए प्लस बी का ये स्क्वायर आ गया, और इधर माइनस 4 × 2 = 8 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और 2 × 2 = 4 नीचे 4 है आपके पास। अभी जी डी स्टूडेंट, अभी एक हमारे पास बड़ा एक अहम क्वेश्चन बन गया है। अभी इधर से स्टेप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, ये एक तो होगा लंबा तरीका, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला खोलेंगे फिर 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको भी फार्मूला ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलने के बाद 8 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे इसकी। और एक ये तरीका कि 9 ये 9 पड़े हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर कितने हैं 9 और ये 8, ए प्लस बी का स्क्वायर ये 8 पड़े हुए हैं ये 9 पड़े हुए हैं। जैसे हमारे पास ये होता है, फर्ज करें 9a² और माइनस 8a², ये जब वैल्यू सेम है तो हम इसको माइनस प्लस कर सकते हैं, 9 में से 8 निकाल के 1 रह जाएगा, 1a², वो 1 हम लिखें या ना लिखें 1a² तो हमें पता है a² भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ये टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं, देखें क्या करेंगे जरा 3 इंटू ए प्लस बी और प्लस माइनस इस 9 ए प्लस बी होल स्क्वायर ये 8 है स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस 9 में से 8 निकालेंगे तो बचेगा 1, वो लिख दें ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है इसे। जब इसको ऐसे लिखेंगे नीचे आपके पास ये डिवाइजर 4 है और इसके बाद 3 ए प्लस बी और प्लस माइनस, ये देखें ये स्क्वायर जैसे से कैंसिल हो गए ए प्लस बी रह गया आपके पास और डिवाइडिंग बाय 4 ये आ गया जी आपके पास। अभी एक दफ़ा प्लस कर सकते हैं एक दफ़ा माइनस करेंगे और वो आपके पास इसकी आंसर आ जाएगा वैल्यू, एक्स की वैल्यू सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, रूट्स निकलेंगे। तो देखें ज़रा हम इसे क्या कर रहे हैं, 3 एक्स को एक दफ़ा प्लस कर रहे हैं, 3 ए प्लस बी ये प्लस कर दिया है और ए प्लस बी है इधर, ये a प्लस बी लिख दिया और डिवाइडिंग बाय 4 है, और एक आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू ए प्लस बी और माइनस ए माइनस प्लस बी, एक ये वैल्यू आ गई आपके पास डिवाइडिंग बाय 4। इसमें से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 को मल्टीप्लाई करते हैं
या तो यही तरीका फिर अपना सकते हैं। इधर देखें 3a प्लस बी पड़े हैं, ये इधर 1a प्लस बी पड़ा 1, तो 3 और 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये 3a और 1a 4a, ये 3 प्लस 4b डिवाइडिंग बाय 4, और इधर से देखें 4 कॉमन निकालें, a प्लस बी रह जाएगा, 4 से डिवाइड ये कैंसिल हो गए। x की एक आपके पास जो रूट निकला है x, ये रूट निकला है a प्लस बी। और इसी तरह जब इसको हल करते हैं आप, तो इसमें से वैल्यू आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस ए माइनस बी और डिवाइडिंग बाय 4, और इधर से 2a रह जाएगा 3a में से एक माइनस करके, और इधर 2b रह जाएगा 4 ओवर, इधर 2 कॉमन निकालने के बाद a प्लस बी बचेगा डिवाइडिंग बाय 4, ये 2 इससे कैंसिल हो गए 2, x का एक रूट ये निकलाया a ओवर b डिवाइडिंग बाय a प्लस बी डिवाइडिंग बाय 2। तो GTA स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो रूट्स निकल आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 9, तो 9 के रूट्स निकल आए हैं। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट a प्लस बी और a प्लस बी डिवाइडिंग बाय 2, ये डियर स्टूडेंट आपके पास रूट्स निकल आए हैं। तो बिल्कुल इजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बाद बिल्कुल काम वही है जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया है। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए आपने एक्स के जो है रूट्स निकाल लेने होते हैं, आंसर निकाल लेते हैं वेरिएबल की वैल्यू एक्स की। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकती हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।